हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, आज का दिन है जो मेरे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज जो है मतलब मैं बड़े दिन से सोच रही थी ये चीज़ करने के लिए, तो मतलब टाइम नहीं मिल रहा था या ऐसे कहीं कि मेरे को स्कूटी मिल नहीं रही थी। तो गाइज, आज फाइनली मैं अपनी मोरनी लेने जा रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे पास एक महीने से कोई स्कूटी नहीं थी। जो मेरे पास स्कूटी थी वो मैंने बेच दी थी, तो एक महीने से मेरे पास कोई भी स्कूटी नहीं थी। और मेरा बाहर जाना मतलब ऑलमोस्ट बंद ही था, क्योंकि मेटाडोर में मैं जाती नहीं थी। और जब भी जाना होता था तो मैं हस्बैंड को बोलती थी मेरे को लेके चलो, लेके चलो, लेके चलो। तो मतलब कि हर बार जब भी मेरे को जाना होता था तो ये मतलब बड़े सारे टाइम इनको काम होता था तो मेरे को लेके जाते नहीं थे, तो मतलब बीच में ले जाते थे। और जैसे कि मेरी भी दीदी वेडिंग चल रही है, तो उसके लिए भी शॉपिंग करनी थी, तो वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत वैसी थी। फिर भी मैंने बीच में मेटाडोर में जाके बहुत ट्रैवल किया मैंने फिर भी। बट वो होता है ना एक कंफर्ट लेवल, जो कि मतलब मैं भी बड़ी काफ़ी पहले से, मतलब जब मैं अनमैरिड थी उससे भी 2-3 साल पहले कि मैंने स्कूटी लेके रखी थी, तो मेटाडोर में जाने की आदत रही नहीं थी बिल्कुल भी। तो अभी भी नहीं है, मतलब मेरे को ना, मतलब मैं अपना जो मेरा प्लान होता था वो मैं कैंसिल कर देती थी स्कूटी की वजह से। तो फाइनली आज वो दिन आ गया। पहले तो मुहूर्त नहीं निकल रहा था कि मेरे नाम पे स्कूटी नहीं मिलती है, ये वो एंड ऑल, पता है पंडित के जब चक्कर में पड़ जाओ तो फिर बहम हो ही जाता है। तो गाइस, आज का मुहूर्त था, तो आज मैं जा रही हूँ एजेंसी, मतलब हस्बैंड के साथ ही जा रहे हैं। तो अभी चलते हैं और चलते हैं चलते चलते आगे। जैसा भी कुछ अच्छा काम करने से पहले अपने घर पर पूजा कर लो अच्छे से, शिव जी भगवान को पूछ लो। आज अब हम निकलेंगे वहाँ पे। और गाइस, ये रही मेरी मोरनी। मोरनी का नंबर दिखाते नहीं है बट मैं दिखा देती हूँ, 383। ठीक है, अब हम इसको लेके जाएंगे एक काली माता के मंदिर में, जो कि है फ्लाटा नहीं, टिकरी में है। तो अब हम वहाँ निकल रहे हैं और ये डॉक्यूमेंट अंदर पूरे कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा मंदिर की तरफ। तो अब लोग चलते हैं मंदिर में। हम यहाँ से मिठाई ले रहे हैं, बर्फी मत दिलवाओ, लड्डू खाने आने। और हम ले रहे हैं लड्डू, क्योंकि मेरे को लड्डू ज़्यादा अच्छे लगते हैं बर्फी से। ये बोले अंकल भाई, रिव्यू बाद में देंगे जब खा के कैसे बने। यहाँ से लेंगे हम नारियल, हाँ है पानी। ये अच्छा है, इसको छिलका के देख लो कि नारियल का पानी है या नहीं है। एंड गाइस, हमने यहाँ से टिकरी मार्केट से ही स्मार वगैरह लेके और अब हम निकल रहे हैं, बस पहुँचने ही वाले हैं। मेरे पास है नहीं, बैग में पड़ी है, दूं।
और गाइस ये मेरी मोनी, अच्छे से देख लो ध्यान से, नज़र नहीं लगाना, बस देखना ठीक है पर नज़र नहीं लगानी है बिल्कुल भी। ये मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, एक मिनट में बता देना कैसी लगी मेरी मोरनी आपको, ठीक है। और गाइस हमने सारी पूजा और सारा वहाँ से होके आ गए, आज रात से कुछ खाने के लिए रुके क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था क्योंकि मंदिर जाना था तो बिना खाए जाना था। तो गाइस इसी के साथ अपना ये ब्लॉग खत्म करती हूँ, होप करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना और हाँ मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।